तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो है KTM RC 125 BSX, जो कि मेरी वाली बाइक है। एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे भाई अभी तक आपकी बाइक किधर थी, एंड काफ़ी लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि भाई आपने अपनी बाइक बेच दी है। सो मैं उनको बता दूँ भाई मैंने अपनी बाइक बिल्कुल भी नहीं बेच दी, मेरी पीछे मेरी बाइक खड़ी है इस टाइम पर। सो अब मैं आपको बताऊँगा मेरे से बाइक के साथ क्या हुआ था। मेरी बाइक का हुआ था एक्सीडेंट जब मैं मनाली के राइड से बाद आया था, एंड उसके एक हफ्ते बाद मेरी बाइक का हो गया था एक्सीडेंट, एंड जो कि ये लेफ्ट साइड से पूरी ख़त्म हो रखी थी। एंड डेट थी 21 अप्रैल, एंड 22 अप्रैल को मैं अपनी बाइक को शोरूम पर देकर आया था, एंड उसके बाद लग गया था लॉकडाउन। सो अपन को उस चक्कर पे अपनी बाइक नहीं मिली थी कम से कम 40 डेज़, एंड 8 जून को अपन को बाइक मिली थी, एंड आज है 13 अप्रैल। सो मैंने सोचा क्यों मैं आपको बताऊँ कि मेरी बाइक के साथ क्या हुआ था। सो इसका भाई एक्सीडेंट हो रखा था, पूरी तरह टूट रखी थी साइड से, एंड अब ये पूरी तरीके से बन के आ चुकी है। सो मैंने सोचा क्यों मैं आपको दिखाऊँ कि क्या क्या हुआ था बाइक के साथ। एंड एक चीज़ और मैंने एक्स्ट्रा लगाई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपने बाइक पे क्या मैंने ऐड किया है। सो चलो मैं आपको पहले बाइक का लुक दिखाता हूँ, पहले कैसे टूटी थी एंड उसके बाद कैसी बन के आई है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि अगर मैं बात करूँ सो मैंने क्या ऐड कर रखा है। सो इसमें मैंने ऐड कर रखा है ये वाइज़र, जैसे कि आप ये देख रहे हो बबल वाइज़र है, एंड ये पूरा कवर्ड है आगे से, एंड इसका लुक आप देख ही रहे हो कुछ इस तरह से नोज़ है इसकी। एंड अगर आपको इसको बाइक करना हो तो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर बात कर सकते हो अगर आपको लेना हो तो। पुराना वाला जो वाइज़र था वो टूट चुका था पूरी तरीके से, मतलब कि जो बाइक टूटी थी वो इस साइड से पूरी टूट गई, आपने जैसे देखा होगा इस वीडियो पे। सो ये इस साइड से पूरी ख़त्म थी, फेयरिंग साइड से सारी ख़त्म थी, बिल्कुल कुछ नहीं बचा था। एंड ये को मुझे कहीं भी चोट नहीं आई थी, सिर्फ जरा चोट आई थी जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो उस टाइम पर, सिर्फ इतनी चोट थी मुझे। एंड इस साइड से पूरी बाइक ख़त्म हो रखी थी। सो अपन को बाइक 40 डेज़ बाद मिली, एंड आप लुक देखो आप बाइक का कुछ ऐसा है। एंड इसका जो वाइज़र है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, आप देख लो ये फेयरिंग न्यू पड़ी हुई है पूरी, एंड आगे का जो मैट गार्ड है वो भी नया पड़ा हुआ है, एंड गियर लीवर भी अपना नया पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें नई पड़ी हुई हैं इसमें साइड से, ये पूरी तरीके टूट चुकी है। एंड इसमें से एक और बात बताऊँ, जब मैंने वाइज़र लगवाया था ना, सो गाइस वाइज़र लगने के बाद जस्ट 2 मिनट के बाद अपनी बाइक फिर से गिर गई थी, एंड यहाँ पर वाइज़र थोड़ा टूट रखा तो ये मैंने रैप करवा रखी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट ये गिर चुकी थी अपनी बाइक, आपको यहाँ से पता लग रहा होगा। सो जैसे ही मैंने बाइक बनवाई, एंड ये पता नहीं कैसे गिरी पता ही नहीं चला, बट थोड़ा सा नुकसान हो गया अपना ज़रा सा। एंड बाइक का लुक कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे। सो भाई ये खड़ी मेरी बाइक, जो कि लग रहा था कि मैंने अपनी बाइक इनको बेच दी है। तो आप लोगों ने लोग देख लिया बाइक का कुछ इस तरह से, बाइक अपनी वापस आ रखी है। सो आपको चलाने मज़ा आ रही है बाइक को, एंड थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस ये है कि इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा इसमें टेढ़ा हो रखा है। सो अगली बार ये सर्विस पे जाएगी थोड़ा सा इसको सही करवाना है। एंड आप लोग देखो बाइक का कुछ इस तरह से। सो गाइस जैसे कि आपने इसका लुक देखा, ये दिखने में बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है, अब वाइज़र की वजह से कुछ इसका लुक बढ़ गया है। एंड अगर आपको वाइज़र बाइक करना तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से अगर बाइक कर सकते हो। सो बस आप लुक देखो, बस इतना ही है भाई। जैसे कि मैं आपको डिटेल में बताया कि बाइक कहाँ से टूटी है, एंड इसमें मैंने क्या ऐड कर रखा है, इसमें से मैंने वाइजर ऐड कर रखा है। एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है वाइजर इस बाइक पे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो, यूज़र नेम आपको यहाँ शो हो रहा होगा, सो जाओ मुझे फॉलो करो, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वाइज वहाँ से आकर मुझको फॉलो कर सकते हो इजीली। एंड आप जब तक शॉर्ट इन्जॉय करो जो मैंने लिए हुए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।